जय श्री बालाजी। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति मासारंभ में केतु कन्या राशि के तृतीय भाव में, चंद्रमा धनु राशि के छठे भाव में, शनि मंगल कुंभ राशि के अष्टम भाव में, राहु शुक्र सूर्य मीन राशि के नवम भाव में, बुध बृहस्पति मेष राशि के दशम भाव में गोचर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 1-2 तारीख को किए गए सारे कार्यों के सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। 3-4 तारीख को समय अच्छा है। यदि आप इस समय यात्रा करते हैं तो यात्रा सुखद रहेगी व उसका परिणाम भी लाभ देने वाला होगा। 5-6 तारीख को पिता पुत्र या बेटी में तकरार हो सकती है, वे एक दूसरे की भावना को समझ नहीं पाएंगे। समय ग्रह स्थितियां पक्ष में आएंगी। चलिए बात कर लेते हैं 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। 8 को रोजी रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे। 9-10 तारीख को आप प्रसन्नचित रहेंगे, लंबित मामलों में निपट जाएंगे। 11-12-13 तारीख को समय लाभकारी रहेगा। हर समय में सफलता व लाभ की स्थिति रहेगी। नया वाहन खरीद सकते हैं। माता पिता और ससुराल वालों से काम में कम मन लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। 16-17 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर में मेहमानों की चहल पहल रह सकती है। 18-19-20 तारीख को समय मानसिक संतोषकारी रहेगा। मित्रों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। 21-22-23 तारीख को बेहतरीन समय रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 24-25 को सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं कही जा सकती, अनजाना भय लगा रहेगा। 26-27 को ज्ञानवर्धक समय रहेगा। पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए समय अच्छा साबित होगा। 28-30 के बीच ललिम्बित पड़े मामलों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में जो आपके पूरे महीने को खुशहाल बनाने में लाभकारी साबित होंगे। महीने की शुभता बढ़ाने के लिए ओम नमः शिवाय के 108 बार जब भी लाभप्रद रहेगा। शिवलिंग पर सोमवार को कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। चंद्रकांत मणि युक्त चंद्र यंत्र गले में धारण करें। सोमवार को 7 आंकड़े के पुष्प भंडार के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जय श्री